हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे सीमन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे अपन। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ नॉर्मल रेंज पढ़ी थी, ब्लड की नॉर्मल रेंज क्या होती है, एचबी कितना होता है, सीबीसी कितना होता है, सीबीसी क्या है, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट है, उसमें एचबी कितना होता है नॉर्मल, आरबीसी कितना होता है, WBC नॉर्मल कितना होता है, और LFT में क्या नॉर्मल रेंज होती है, SGOT PT क्या होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस कर दिया था क्लास में, पिछली क्लास में। ठीक है, पिछली क्लास में इनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब है नेक्स्ट, हमने इनके बारे में भी पढ़ लिया था शायद, सीमन टेस्ट कैसे करते हैं, सीमन यानी स्पर्म का टेस्ट कैसे करते हैं, सीमन का एनालिसिस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम देखते हैं, सीमन का वॉल्यूम कितना है। तो द एवरेज वॉल्यूम ऑफ सीमन प्रोडक्ट एट द एजुकुलेशन, एक बार एजुकुलेशन होता है, जब एक बार एजुकुलेशन होता है मतलब बाहर निकलता है सीमन, तो उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तो वो 1.5 से 5 ml के करीब होना चाहिए। तो ये नॉर्मल रेंज में आता है, अगर इससे कम है तो वो एबनॉर्मल रेंज में आता है। सीमन यानी स्पर्म जब बाहर निकलते हैं, सीमन जो बाहर निकलता है, सीमन जो बाहर निकलता है वो उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए एजुकुलेशन के टाइम, एवरेज वॉल्यूम जो होना चाहिए वो 1.5 से 5 ml तक होना चाहिए। उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन, स्पर्म काउंट कितने होने चाहिए, तो स्पर्म पर मिलीलीटर कितने होने चाहिए, स्पर्म काउंट कितने होने चाहिए, तो 50 से 150 मिलियन होने चाहिए। एक बार जब एजुकुलेशन होता है तो उसके अंदर जो स्पर्म होते हैं, वो 50 से 150 मिलियन होने चाहिए, कम से कम 50 से 150 मिलियन स्पर्म होते हैं एक बार एजुकुलेशन होने पे। उसकी मोर्टिलिटी कितनी होती है, मोर्टिलिटी क्या होती है, तो हाउ मेनी मूविंग स्पर्म आर प्रेजेंट, मूविंग स्पर्म जो जिंदा स्पर्म होते हैं, मूव करने वाले, लो मोर्टिलिटी कैन आल्सो इंडिकेट द हार्मोनल प्रॉब्लम और वेरिकोसील। अगर उनकी मोर्टिलिटी कम होती है, लो मोर्टिलिटी होती है, तो वो इंडिकेट करता है कि उसे हार्मोनल प्रॉब्लम है, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है या वेरिकोसील है, या तो वेरिकोसील है। तो ये 50 to 60% होना चाहिए, इसकी जो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50 से 60% के बराबर होनी चाहिए। उसके बाद में है मॉर्फोलॉजी, नेक्स्ट है आपके मॉर्फोलॉजी। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ स्पर्म आर नॉर्मली शेप, नॉर्मल शेप कितने परसेंटेज तक होता है ना, तो स्पर्म के जो नॉर्मल शेप है, शेप जो है स्पर्म का, वो मोर देन 50% होना चाहिए। जो स्पर्म के नॉर्मल शेप के जो स्पर्म होते हैं वो कम से कम 50% से ज़्यादा जो स्पर्म है वो नॉर्मल शेप के होने चाहिए, अगर उससे कम है तो वो एबनॉर्मल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में है लिक्विफिकेशन। तो वाइल सीमन इज इनिशियली थिक, इज एबिलिटी टू लिक्विफाई और टर्न टू ए वाटरी कंसिस्टेंसी हेल्प टू स्पर्म टू मूव। इफ स्पर्म डज नॉट लिक्विफाई इन 15 to 30 minutes, तो फर्टिलिटी कुड बी अफेक्टेड, तो उसके कारण फर्टिलिटी अफेक्टेड हो रही है, तो इसका जो टाइम है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 15 से 30 seconds होना चाहिए। इट शुड बी टेक 15 से 30 minutes बिफोर स्पर्म लिक्विफाइड, तो जो स्पर्म है उसको लिक्विफाइड होने में कम से कम 15 से 30 minutes लगने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में पीएच जो होता है, स्पर्म का पीएच जो होता है वो कितना होता है, तो स्पर्म का पीएच जो है, तो ए पीएच लेवल हायर देन 8, अगर 8 से ज़्यादा है तो कुड बी इंडिकेट द डोनर हैज बी इन्फेक्शन, अगर उसका पीएच 8 से ज़्यादा है तो वो इन्फेक्शन को शो करता है। तो नॉर्मल कितना होता है, तो नॉर्मल होता है 7.2 से
7.8 के बीच में जो होता है वो नॉर्मल पीएच माना जाता है। तो स्पर्म का जो पीएच है, सीमन का जो पीएच है वो नॉर्मल माना जाता है 7.2 से 2.7.8 तक। उसके बाद में है ट्यूमर मार्कर के टेस्ट, ट्यूमर का जो टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट, ट्यूमर मार्कर टेस्ट। तो ट्यूमर मार्कर टेस्ट के अंदर है ट्यूमर मार्कर टेस्ट एसोसिएट विद ट्यूमर टाइप, कैसी ट्यूमर है, कैसी उसे गांठ है, उसके लिए ट्यूमर टाइप का टेस्ट किया जाता है। ट्यूमर मार्कर जो कैंसर का पता लगाने के लिए, किस टाइप की ट्यूमर है, कैंसर सेल्स है ना, उसका पता लगाने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो पहला है इसके अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन को बोलते हैं एएफपी, अल्फा फीटोप्रोटीन। ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और जर्म सेल ट्यूमर का पता लगाया जाता है। इससे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और जर्म सेल ट्यूमर का पता लगाया जाता है अल्फा फीटोप्रोटीन से, अल्फा फीटोप्रोटीन से किसका पता लगाया जाता है, हेपेटो हेपेटोसेलुलर। ठीक है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ये जो है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ये कहां होता है, तो ये मोस्टली लीवर, लीवर कैंसर, लीवर कैंसर का पता लगाने के लिए हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इज ए लीवर कैंसर, जो कहां होता है, लीवर में होता है, उसका पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो लीवर कैंसर का पता लगाने के लिए किया जाता है। उसके बाद में है और जर्म सेल्स, तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स का पता लगाने के लिए, रिप्रोडक्टिव जो सेल्स है उसमें कैंसर सेल्स है कि नहीं है उसका पता लगाने के लिए, रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स में पता लगाने के लिए। उसके बाद में है CA153, CA153, ठीक है, CA153 इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये किसके लिए किया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए CA53 टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में है CA27 और 29, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ये भी ब्रेस्ट कैंसर के लिए किया जाता है। ठीक है, CA27 और 29 ये भी ब्रेस्ट कैंसर के लिए किया जाता है, CA27 और 29। जो इसकी जो इक्वल रेंज या नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 38 यूनिट पर मिलीलीटर। ठीक है, यूनिट पर एमएल, 38 यूनिट पर एमएल होती है इसकी जो नॉर्मल रेंज, या तो इसके बराबर होगा। तो इसका टेस्ट कैसे करेंगे, तो ये टेस्ट करेंगे तो ये नॉर्मल रेंज है 38 यूनिट पर एमएल। ठीक है, 38 यूनिट पर एमएल। और ये भी 38 होता है, ये 30 यूनिट एमएल पर मिलीलीटर। ठीक है, 30 यूनिट पर मिलीलीटर इसकी भी जो नॉर्मल रेंज है 30 यूनिट एमएल मिली पर लीटर होती है, और इसकी 38 यूनिट मिली पर लीटर होती है। उसके बाद में CA199 इट मेनली पेनक्रियाज कैंसर, ये पेनक्रियाज कैंसर का पता लगाने के लिए किया जाता है, बट आल्सो कोरेक्टल कैंसर एंड अदर टाइप ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर। ये मोस्टली पेनक्रियाटिक कैंसर, यानी पेनक्रियाज का जो कैंसर होता है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। मोस्टली ये जो कैंसर है वो
पेनक्रियाज का जो कैंसर होता है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है, और इसमें बट इट आल्सो कोरेक्टल यानी कोलन का जो कैंसर है उसका, और अदर टाइप ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है मतलब जो इंटेस्टाइन का कोई कैंसर है तो उसका भी इसके द्वारा पता लगाया जा सकता है। इसे CA19-9 कहते हैं, ठीक है, CA199, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है लेस देन 37 यूनिट पर मिलीलीटर, ठीक है, 37 यूनिट पर मिलीलीटर इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है उससे कम होनी चाहिए। उसके बाद में CA125 इज मेनली ओवेरियन कैंसर, जो ओवेरियन कैंसर होता है उसका पता लगाने के लिए CA क्या किया जाता है, CA125 किया जाता है। बट इट मे बी आल्सो इवेल्युएट इन एंडोमेट्रियल कैंसर, ये एक तो CA ओवेरियन कैंसर, ओवरी का जो कैंसर होता है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है, दूसरा एंडोमेट्रियल जो कैंसर है उसके लिए भी ये एलिवेट मिलता है। उस कैंसर में भी जो एंडोमेट्रियल कहाँ होता है, ये यूट्रस की जो लेयर है, अंदर की जो लेयर होती है एंडोमेट्रियल लेयर, वहां का अगर कैंसर हो जाए, फेलोपियन ट्यूब का कैंसर हो, फेलोपियन ट्यूब ये भी कहाँ होती है, ये भी यूट्रस के, जैसे ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है तो इधर साइड में फेलोपियन ट्यूब होती है दोनों साइड में, तो यहाँ का कैंसर हो गया तो भी उसमें इंक्रीज मिलता है। अगर यूट्रस के अंदर जो ये लेयर होती है एंडोमेट्रियम वहां कैंसर हो गया तो भी हो सकता है। लंग कैंसर में भी ये इंक्रीज मिल सकता है, ब्रेस्ट कैंसर में भी ये इंक्रीज मिल सकता है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर में भी इंक्रीज मिल सकता है इन एंडोमेट्रियसिस, ठीक है। तो मेनली तो ये किसके लिए रहता है, ओवेरियन कैंसर के लिए रहता है, लेकिन ये जो है और भी जो है एंडोमेट्रियल फेलोपियन ट्यूब कैंसर इनमें भी ज्यादा मिलता है। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 0 से 35 यूनिट पर मिलीलीटर, 0 से 35 इसकी नॉर्मल रेंज होती है, 0 से 35 के करीब इसकी नॉर्मल रेंज होती है, ठीक है। अब है नेक्स्ट, आपके नेक्स्ट है कैल्सिटोनिन, मेनली मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, ये कैल्सिटोनिन का पता लगाया जाता है मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा के लिए, ठीक है। जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है तो वो होती है 8.4 पिको एमएल, जिसको 8.4 पीजीएमएल, 8.4 उससे कम हो सकती है, 8.4 पीजीएमएल और उससे कम, लेस, इससे कम, ठीक है, इससे कम नॉर्मल मानी जाती है। अगर इससे ज्यादा हो गई तो उसमें तो यह है थायराइड के कार्सिनोमा जो है थायराइड का कैंसर के पता लगाने के लिए ये टेस्ट करते हैं कैल्सिटोनिन, ठीक है, कैल्सिटोनिन का टेस्ट करते हैं। ये मेल में 8.4 मेल में है, ये 8.4 और फीमेल में अलग है, फीमेल में कितना है, फीमेल में जो है इसका रेंज होती है 5.0 पीजीएमएल, 5.0 पीजीएमएल होता है पिकोग्राम पर लीटर। पीजी का जो फुल फॉर्म है, पीजी का फुल फॉर्म जो होता है वो है आपके पिकोग्राम पर मिलीलीटर,
मिलीलीटर, ठीक है। इसका पीजीएमएल का मतलब हो गया पिकोग्राम पर मिलीलीटर, पिकोग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो ये इसके बाद में ये तो हो गया कैल्सिटोनिन, मेल और फीमेल में अलग अलग होता है 8.4 से मेल में और फीमेल में, ये थायराइड कैंसर के लिए किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है जो है आपके एससीजी ह्यूमन क्रोनिक गोनोडोट्रोपिन, ह्यूमन क्रोनिक गोनोडोट्रोपिन हार्मोन, इसे गेस्टेशनल ट्रोफोफोलास्टिक डिजीज, जर्म सेल ट्यूमर और कोरियोकार्सिनोमा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसकी जो एससीजी की नॉर्मल रेंज होती है वो लगभग होती है 0.08 IU/L, इंटरनेशनल यूनिट लीटर, ठीक है, ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है। और प्रेगनेंसी के दौरान ये 20,000 से 2,00,000, ये प्रेगनेंसी के दौरान, ये तो हो गया नॉर्मल रेंज, ये प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये 20,000 से 2,00,000 IU/L हो जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान ये इतना हो जाता है। तो ये जो है कोरियोकार्सिनोमा, जर्म सेल ट्यूमर, इनके लिए किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके ट्यूमर मार्कर एसोसिएटेड ट्यूमर टाइप्स, ठीक है, न्यूरॉन स्पेसिफिक और एनलेप्स। तो NSE क्या होता है, न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेस NEC, इट इज सब्सटेंस दैट हैज बीन डिटेक्ट द पेशेंट विथ सर्टेन ट्यूमर्स, ये भी ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये एक सब्सटेंस है दैट हैज बीन डिटेक्ट इन पेशेंट विथ सर्टेन ट्यूमर, नेमली न्यूरोब्लास्टोमा, स्मॉल सेल लंग कैंसर, इनके लिए किया जाता है, न्यूरोब्लास्टोमा के लिए, स्मॉल सेल कैंसर सेल के लिए, मेडुलरी थायराइड कैंसर के लिए, कार्सिनोइड ट्यूमर्स के लिए, एंडोक्राइन ट्यूमर्स के लिए, ऑफ द पैनक्रियाज एंड मेलेनोमा, ठीक है, इनके लिए ये NSE जो है मार्कर टेस्ट किया जाता है, NSE मार्कर टेस्ट किया जाता है, ये भी कैंसर का पता लगाने के लिए किए जाते हैं। उसके बाद में होता है CEA, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, इसका पता लगाने, इट इज ए प्रोटीन फाउंड इन मेनी टाइप ऑफ सेल्स बट एसोसिएट विद द ट्यूमर, ठीक है, ये प्रोटीन होता है जो मेनी टाइप ऑफ सेल में पाया जाता है विद एसोसिएट विद ट्यूमर्स, द डेवलपमिंग ऑफ फिटस के डेवलपमेंट में। CEA इज टेस्ट इन ब्लड, CEA लेवल इज द ट्यूमर मार्कर मोस्ट ऑफन यूज इन कोलोरेक्टल कैंसर, जो कोलन का कैंसर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर होता है, उसका ट्यूमर मार्कर है, इससे इस ट्यूमर का पता लगाया जा सकता है। तो ये CEA जो है कार्सिनोमा एम्ब्रियोनिक एंटीजन कोलन कैंसर के लिए किया जाता है। उसके बाद में होता है PSA, प्रोस्टेट कैंसर के पता लगाने के लिए PSA किया जाता है, ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर का पता लगाने के लिए PSA किया जाता है। तो PSA होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है ये टेस्ट होता है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA टेस्ट इज द अमाउंट ऑफ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन इन द ब्लड, PSA इज रिलीज इनटू द मेन ब्लड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होता है। PSA जो है
प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उससे रिलीज होता है। ये प्रोस्टेट कैंसर को पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो है पीएसए की फुल फॉर्म होती है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये प्रोस्टेट जो कैंसर होता है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड से ये रिलीज होता है मेल्स के अंदर, ये मेल के अंदर ही होता है। तो उसके बाद में इसकी जो है रेंज, इसकी जो रेंज है वो 40 से 49, जो 40 से 49 ईयर के होते हैं, ईयर के साल के होते हैं, उसमें इसकी जो रेंज है वो है 0 से 2 तक एनजीडीएल, ठीक है, 0 से 2 एनजीडीएल तक इसकी होती है। उसके बाद में 50 से जो 59 साल के होते हैं उसमें 0 से 3 एनजीडीएल तक होती है, 60 से 69 साल के होते हैं उसमें 0 से 4 एनजीडीएल तक होती है, और 70 से 80 तक होते हैं उनमें 5 एनजीडीएल तक नॉर्मल होती है। तो ये इसकी नॉर्मल रेंज है। तो नॉर्मली 4 एनजीडीएल जो है, 4 एनजीडीएल जो है वो नॉर्मल माना जाता है, उससे कम नॉर्मल माना जाता है, उससे ज़्यादा हो गया तो वो एबनॉर्मल माना जाता है, ठीक है। मोस्टली 4 से ज़्यादा होने लग पे एबनॉर्मल माने जाने लगता है। ये एज के अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग ये 5 तक होता है। तो अगर 70-80 का जो बंदा है, अगर वो 80 ईयर का पर्सन है, ओल्ड पर्सन है, उसका 5 भी है तो वो नॉर्मल माना जाएगा, उससे ज़्यादा है तो एबनॉर्मल माना जाएगा। ये तो हो गए कुछ कैंसर के टेस्ट। उसके बाद में ब्लड टेस्ट फॉर अर्थराइटिस, अर्थराइटिस के लिए ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट ऑफ अर्थराइटिस, ब्लड टेस्ट किसके लिए, अर्थराइटिस के लिए। तो उसके अंदर है रूमेटाइड फीवर, सबसे पहला है रूमेटिक फीवर, ब्लड टेस्ट ऑफ अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का मतलब हो गया जॉइंट में इंफ्लामेशन हो जाना, ठीक है, जॉइंट में इंफ्लामेशन हो जाना, जॉइंट इन्फ्लामेशन, जॉइंट इन्फ्लामेशन को कहते हैं ऑर्थराइटिस। उसके लिए सबसे पहला टेस्ट है आरएफ का टेस्ट है, रिमोटॉइड फैक्टर, रिमोटॉइड फैक्टर आरएफ टेस्ट करते हैं। तो आरएफ आर प्रोटीन प्रोड्यूस योर इम्यूनिटी सिस्टम दैट कैन अटैक हेल्थी टिश्यू इन योर बॉडी। आरएफ कहाँ से, एक प्रोटीन है जो प्रोड्यूस होता है इम्यून सिस्टम से, ठीक है, और ये हेल्थी टिश्यू पर अटैक करता है। तो इसके जो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए लेस देन 15 IU/ml, ठीक है, 15 कितनी होनी चाहिए, लेस देन 15 IU/ml होनी चाहिए। इंटरनेशनल यूनिट मिलीलीटर, ठीक है, इंटरनेशनल आयु का मतलब हो गया, पहले भी बता चुका हूं मैं, आयु का मतलब जो है, इस आयु का मतलब है इंटरनेशनल नेशनल यूनिट मिली, इंटरनेशनल यूनिट मिली लीटर, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर, पर मिलीलीटर, ये इसकी फॉर्म है। इसके बाद में ये इसकी फुल फॉर्म है आयु एमएल की, ठीक है, इंटरनेशनल पर यूनिट। तो ये कितना होना चाहिए, लेस देन 15 इंटरनेशनल यूनिट होना चाहिए। उसके बाद में है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एएनए का टेस्ट करते हैं, एएनए का टेस्ट करते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, डिटेक्ट द एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज एएनए इन योर ब्लड, इट डिटेक्ट एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी इन आवर ब्लड, योर इम्यून सिस्टम नॉर्मली मेक द एंटीबॉडीज टू हेल्प द फाइट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो कैसे आती है, इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो पॉजिटिव या नेगेटिव आती है, या तो पॉजिटिव आएगी या फिर कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आती है, इससे पता चलता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद में है आपके एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड, एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड,
तो इसको एंटी सीपीपी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एंटी सीपीपी बोलते हैं। तो एंटी सीपीपी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड यानी एंटी सीपीपी इज द एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द मोस्ट रिमेटॉइड ऑर्थराइटिस पेशेंट। इसके अंदर जो है रिमेटॉइड ऑर्थराइटिस पेशेंट के अंदर ये एंटीबॉडी पाई जाती है। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो उसकी जो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए लेस देन 20 माइक्रो मिलीलीटर, ठीक है, 20 इससे कम होनी चाहिए, 20 से कम होनी चाहिए। उसके बाद में HLA-B27 ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन, HLA का फुल फॉर्म हो गया ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो HLA का हो गया ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। B27 इज द मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास वन मॉलिक्यूल दैट इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद द डिजीज एंकाइलाइज स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ये किया जाता है, ठीक है। इसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव से पता लग जाता है, पॉजिटिव है तो ये प्रेजेंट है, नेगेटिव है तो नहीं है इसके लिए। उसके बाद में सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP, इसको शॉर्ट में CRP बोलते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन, दिस टेस्ट इज मेजर द वाइड इन्फ्लामेशन, ये अगर इन्फ्लामेशन को शो करता है। इट मेजर सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द लीवर दैट इंक्रीज इज द प्रेजेंट ऑफ द इन्फ्लामेशन, और ये इन्फ्लामेशन को शो करता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है बिलो 3 mg/dL से कम होनी चाहिए, ठीक है, इसकी जो नॉर्मल रेंज है 3 mg/dL से कम होनी चाहिए। माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, 3 mg/dL मतलब माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर, ठीक है, ये एक टेस्ट होता है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिस ओ टाइटर। एंटी स्टेप्टो लाइसिन ओ टाइटर, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट। तो इसके अंदर पॉजिटिव टाइटर अगर है, पॉजिटिव टाइटर है तो वो 200 से कम आएगा इंटरनेशनल यूनिट पर ml। तो डिटेक्ट एंटीबॉडीज टू एंटीजन स्टेप्टो लाइसिन ओ प्रोड्यूस बाय द ग्रुप ऑफ ए स्टेप्टोकोकाई टाइटर इज टू बी पीक इन 5 to 6 weeks मे बी रिमेन एलिवेटेड इन 1 year। तो ये एक स्टेप्टो जो बैक्टीरिया होते हैं, स्टेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है उसके लिए टेस्ट किया जाता है। तो इसको एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ टाइटर कहते हैं, ASO कहते हैं, और ये पॉजिटिव टाइटर है तो वो 200 से कम आएगा, ठीक है, 200 इंटरनेशनल यूनिट। और अगर पॉजिटिव टाइटर है तो ये आएगा, पॉजिटिव इन है तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन द अपर एयरवे, अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसके कारण क्या है, कौन सा इन्फेक्शन शो करता है, तो ये अपर एयरवे इन्फेक्शन और स्कार्ट फीवर में पॉजिटिव आता है। उसके बाद में पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन कंप्लेन एग्जाम्पल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और रिमेटिक फीवर के अंदर भी ये पॉजिटिव आता है। उसके बाद में फॉल्स पॉजिटिव, कभी कभी ये फॉल्स पॉजिटिव आता है तो सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर ये फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है विडाल टेस्ट, आपके नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है आपका विडाल टेस्ट। तो फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर और ब्लड
ब्लड कल्चर करते हैं, ब्लड पंचर करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? तो फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में, तो ये फर्स्ट वीक लिखा हुआ है, फर्स्ट वीक। अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये सेकेंड वीक, ये थर्ड वीक, और ये है फोर्थ वीक। इसके अंदर ब्लड कल्चर करते हैं, तो पहला लिखा हुआ है ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर, तो ये कितना आता है? इसका जो रिजल्ट है 95%, 95% इज रिजल्ट पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद में ब्लड पिक्चर, तो ये ल्यूकोसाइटोपेनिया विद द रिलेटिव ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस। उसके बाद में ब्लड कल्चर करते हैं, तो ये 40 से 50 आता है, ठीक है, सेकेंड वीक में 40 से 50 आता है। और विडाल टेस्ट के अंदर लो टाइटर एंटीबॉडीज आती है, ठीक है, लो टाइटर एंटीबॉडी, लो टाइटर एंटीबॉडीज आती है। उसके बाद में थर्ड वीक में विडाल जो है 100 आता है, विडाल टेस्ट कितना आता है? 100 आता है, लेकिन ये जो कल्चर है वो 15 से 20 के करीब आता है, और स्टूल में कल्चर है जो 80 के करीब आता है, स्टूल में है वो 80 के करीब आता है। तो ये है स्टूल और यूरिन कल्चर, स्टूल एंड यूरिन, यूरिन कल्चर इसके अंदर आता है 80, और ब्लड कल्चर के अंदर आता है, ब्लड कल्चर इसके अंदर आता है 15 से 20, और विडाल टेस्ट, ये है विडाल टेस्ट, इसके अंदर आता है 100, ठीक है। अब है विडाल टेस्ट के अंदर, ये वापस विडाल टेस्ट के अंदर आता है 100, स्टूल एंड यूरिन कल्चर के अंदर आता है, स्टूल एंड यूरिन कल्चर के अंदर आता है 90, और ब्लड कल्चर के अंदर आता है 5 to 10। तो ऐसे इसका रिजल्ट का, पॉजिटिव का पता लगाया जाता है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक में अलग अलग आता है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में है टेबल ऑफ डिफरेंट बिटवीन द वेरियस टाइप ऑफ पैरासाइट दैट कॉज मलेरिया, मलेरिया जो अलग अलग मलेरिया होते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के मलेरिया होते हैं पैरासाइट्स, उनके लिए तो सबसे पहले है प्लाज्मोडियम टाइप। प्लाज्मोडियम टाइप कौन कौन से होते हैं? तो मलेरिया फाल्सिफेरम एक टाइप का होता है, वाइवेक्स, मलेरियाई और ओलाई, चार टाइप के होते हैं, ठीक है, मलेरियाई और ओलाई, लास्ट जो दिखाई नहीं दे रहा है ये ओलाई, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये चार टाइप के होते हैं। तो फाल्सिफेरम, फाल्सिफेरम, वाइवेक्स, मलेरियाई, ओलाई, ये होते हैं, ठीक है। उसके अंदर आता है पहला ट्रॉपिकल टाइप ऑफ द कॉज ऑफ मलेरिया, तो ट्रॉपिकल मलेरिया, टेटेन मलेरिया, क्यूरटेन मलेरिया, टेटेन मलेरिया, तो ये इसके टाइप ऑफ कॉज किस कारण से होता है। उसके बाद में एंडेमिक एरिया, ऑल एंडेमिक एरिया, साउथ अमेरिका, एशिया, यहाँ पे ज़्यादा होता है ये वाइवेक्स वाला, साउथ अमेरिका और यहाँ पे होता है साउथ अमेरिका और एशिया में, ये भी जो मलेरिया ही है वाइवेक्स जो है अमेरिका और एशिया में ज़्यादा होता है, और ये अफ्रीका में ओलाई जो है अफ्रीका में ज़्यादा होता है। इसके बाद में फेब्राइल सीजर पीरियड, इसमें रेगुलर क्राइसिस आते हैं, फेब्राइल सीजर पीरियड आते हैं, एवरी 2 डेज से आते हैं, हर 2 दिन से आते हैं, एवरी 3 डेज से आते हैं, एवरी 2 डेज से आते हैं, तो इसके अंदर जो फेब्राइल सीजर है यानी बुखार के साथ में कंपकपी आना, वो वाले इरेगुलर रहते हैं, इसमें एवरी 2 दिन से आते हैं या 3 दिन से आते हैं, 2 दिन से आते हैं। उसके बाद में इन्वॉल्वमेंट सीवियरिटी, वेरी सीरियस, इट कैन बी कॉज डेथ इफ नॉट ट्रीटेड क्विकली एंड इफेक्टिवली, अगर इसको, ये बहुत ज्यादा सीरियस बीमारी है, ठीक है, सीरियस मलेरिया है, अगर इसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट की डेथ हो सकती है, डेथ हो सकती है, तो
क्या हो सकती है, डेथ, मृत्यु हो सकती है अगर टाइम पे क्विकली ट्रीट नहीं किया तो इफेक्टिवली। वेव बट इज ए डिले ऑन सेट, इसको थोड़ा बहुत लेट कर सकते हैं, आराम से ट्रीट कर सकते हैं। मॉडरेट लेस फ्रिक्वेंट, ये मॉडरेट और लेस फ्रिक्वेंट होता है, ये मॉडरेट एंड लेस फ्रिक्वेंट, ये भी मॉडरेट एंड लेस फ्रिक्वेंट होता है। तो सबसे ज्यादा डेंजर कौन सा होता है, फाल्सीपेरम होता है, फाल्सीपेरम जो मलेरिया होता है वो सबसे डेंजर होता है, ठीक है। अब है डेंगू सीरोलॉजी, डेंगू के अंदर एनवन एसवन करते हैं, तो मलेरिया के अंदर कौन कौन से टेस्ट करते हैं, मलेरिया के अंदर टेस्ट करते हैं स्लाइड टेस्ट करते हैं एक तो, ठीक है, मलेरिया के अंदर स्लाइड टेस्ट करते हैं, इनके अंदर क्या करते हैं, एक तो स्लाइड टेस्ट करते हैं, स्लाइड टेस्ट करते हैं, मलेरिया कार्ड टेस्ट करते हैं, मलेरिया कार्ड टेस्ट करते हैं, उससे पता लगा सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, उससे पता लगा सकते हैं। उसके बाद में डेंगू सीरोलॉजी, डेंगू सीरोलॉजी के अंदर N1 S1, तो NS1 इज ए ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज कॉमन टू ऑल डेंगू स्ट्रेप्टोटाइप एंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन इन द अर्लीस्ट स्टेज। तो एनएसएन है जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है डेंगू, ये भी मच्छर के काटने से होती है, ये भी मच्छर के काटने वाली टेस्ट है, इसको भी हम डेंगू कार्ड टेस्ट से पता लगा सकते हैं। डेंगू कार्ड टेस्ट होता है, उसके द्वारा हम इसका पता लगाते हैं, ब्लड में इसको डायग्नोज करते हैं। तो एनएस जो वन होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इज कॉमनली All dengue is streptococcal and can be used to detect either primary or secondary infection. वो primary और secondary infection जो पहला और दूसरा infection है उसको पता लगाने के लिए earliest stage में इसका test करते हैं। Serology testing for detecting dengue virus. Serology test करते हैं वो dengue virus का पता लगाने के लिए करते हैं। Specific antigen type IgG और IgM का भी पता लगाते हैं। इसके अंदर IgG और IgM का पता लगाते हैं। Can be useful for confirm the primary or secondary diagnosis. इसके लिए प्राइमरी और सेकेंडरी डायग्नोसिस के लिए ये यूजफुल होता है, ठीक है। तो इसमें IgG, IgM, डेंगू वायरस का पता लगाने के लिए सीरोलॉजी टेस्ट करते हैं और NS1 टेस्ट करते हैं। उसके बाद में चिकनगुनिया, चिकनगुनिया जो है द टाइप ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म द टिपिकली डिटेक्ट ऑफ द टाइमली और वॉल्यूम इन द सैंपल इज अवेलेबल। ब्लड टेस्ट करते हैं इसके अंदर भी, ब्लड टेस्ट इज ओनली रिएबल वे टू आइडेंटिफाई द चिकनगुनिया। ब्लड टेस्ट से ही चिकनगुनिया का पता लगाया जा सकता है। सिंस द सिम्टम आर द सिमिलर मच मोर डिले इज डेंगू फीवर, ठीक है। द कॉमन लेबोरेटरी टेस्ट इज चिकनगुनिया इंक्लूडिंग द स्ट्रेन RT-PCR टेस्ट करते हैं, RT-PCR और सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। RT-PCR जो टेस्ट करते थे, जो कोरोना वगैरह वायरस किसी भी वायरस का पता लगाने के लिए RT-PCR टेस्ट करते हैं और सीरोलॉजिकल टेस्ट भी करते हैं, उससे हम चिकनगुनिया का पता लगा सकते हैं। उसके बाद में हेपेटाइटिस ए बी सी, ठीक है, हेपेटाइटिस ए बी सी, तो हेपेटाइटिस की बीमारी लीवर की बीमारी है, लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाना हेपेटाइटिस कहलाता है। हेपेटाइटिस ए अलग होता है, बी अलग होता है, सी अलग होता है, डी अलग होता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए है जो फिको ओरल रूट से फैलता है, तो इट इज ए लीवर डिजीज कॉज बाय द हेपेटाइटिस ए वायरस। ये किससे होने वाली डिजीज है, हेपेटाइटिस ए वायरस से होने वाली डिजीज है। द वायरस इज प्राइमरली स्प्रेड व्हेन द इन्फेक्टेड और अनवैक्सीनेटेड पर्सन, सबसे पहले किसको फैलती है, इन्फेक्टेड पर्सन को जो, और अनवैक्सीनेटेड जिसको वैक्सीन नहीं लगी हुई है उस पर्सन को जल्दी फैलता है, ठीक है, इसमें स्प्रेड होता है। तो इंजेस फूड वाटर इज कंटामिनेटेड, ये किससे फैलता है, तो ये फूड से, वाटर से, फिकोरल रूट से फैलता है। जो कंटामिनेटेड फूड खा लिया, वाटर पी लिया कंटामिनेटेड विद द फीसेज, और जो स्टूल वगैरह होती है, फीसेज जो एक्स्ट्रा मेटेरियल जो जो स्टूल और यूरिन है ना, ह्यूमन एक्सक्रिएटा होते हैं, ह्यूमन एक्सक्रिएटा इन्फेक्टेड पर्सन के, उसके द्वारा भी फैल सकता है। द डिजीज इज क्लोजली एसोसिएट विद द अनसेफ वाटर फूड और इनएडुकेट सैनिटेशन पुअर पर्सनल हाइजीन, इसके द्वारा ये ज्यादा फैलती है। अनसेफ वाटर पिया, अच्छा पानी नहीं पिया, कंटामिनेटेड पानी पी लिया, या फिर फूड खा लिया कंटामिनेटेड, अनएडुकेटेड सैनिटेशन, साफ सफाई नहीं रखी है ना, लेटरिन वगैरह की साफ सफाई नहीं है, पुअर सैनिटेशन है,
साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से ये बीमारी ज्यादा फैलती है, हेपेटाइटिस ए की बीमारी फैलती है उसकी वजह से। तो ये इसमें हेपेटाइटिस ए का पता लगाया जाता है, ये टेस्ट किया जाता है जिसके द्वारा हेपेटाइटिस ए का पता लगाया जाता है। ठीक है, इसका जो टेस्ट किया जाता है वो एंटी एच ए वी ऐसा टेस्ट किया जाता है, एंटी एच ए वी का टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी के लिए एच बी एस ए जी का टेस्ट किया जाता है, एच बी एस ए जी ये हेपेटाइटिस बी के लिए टेस्ट किया जाता है। ये तो था एंटी एच ए वी, हेपेटाइटिस ए के लिए टेस्ट किया जाता है और हेपेटाइटिस बी को पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एच बी एस ए जी, और हेपेटाइटिस सी का पता लगाने के लिए हेपेटाइटिस सी का टेस्ट किया जाता है, एच सी वी। ठीक है, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं अपन, हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी के लिए एच बी एस ए जी, एच बी एस ए जी को क्या नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। ये कौन सा एंटीजन है, हेपेटाइटिस बी सीरोलॉजी एंटीजन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन, ए जी का मतलब है ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, इसकी फुल फॉर्म होती है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, इसकी जो फुल फॉर्म होती है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ठीक है, जो ये ऑस्ट्रेलियन एंटीजन है इज सरफेस एंटीजन ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, एच एच बी वी इसको बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस इज द सरफेस, देखो यहां पे लिखा हुआ है सरफेस एंटीजन ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस, इट इंडिकेट करेक्ट द हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। ये बी हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो हेपेटाइटिस जो बी बीमारी है वो कैसे फैलती है, ब्लड से फैलती है और स्पर्म सॉरी जो सीमन वगैरह से फैल सकती है। ठीक है, तो सीमन वगैरह से फैल सकती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैल सकती है, ब्लड ट्रांसमिशन से फैल सकती है, स्लाइवा से भी फैल सकती है। तो ये जो है ये ब्लड से होने वाली बीमारी है, और ये जो थी फिको ओरल रूट से कंटामिनेटेड वाटर द्वारा से फैलने वाली बीमारी थी, ये ब्लड से फैलने वाली बीमारी है। जैसे एचआईवी एड्स फैलता है वैसे ही हेपेटाइटिस बी भी फैल सकता है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैल सकता है, ब्लड ट्रांसमिशन से फैल सकता है, कोई भी नीडल प्रिक वगैरह हो गई, अगर किसी पेशेंट को नीडल या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया, इंजेक्शन लगाया, वही नीडल दूसरे जो हेल्दी पर्सन को लगा दिया तो उसकी वजह से उसमें भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो ब्लड से फैलने वाली बीमारी है इसका पता लगाने के लिए जो टेस्ट करते हैं वो एच बी एस ए जी करते हैं, उससे पता लग जाता है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव का पता लगा सकते हैं इसके द्वारा। उसके बाद में जो है हेपेटाइटिस सी का टेस्ट होता है, एस सी वी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी, ये भी हेपेटाइटिस या लीवर की बीमारी है, और हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन डिजीज इज कॉज बाय द हेपेटाइटिस सी वायरस। ये किससे होती है, हेपेटाइटिस सी वायरस से होती है, दैट प्राइमली अफेक्ट द लीवर, ये लीवर को अफेक्ट करती है ड्यूरिंग द इनिशियल फेज, इनिशियल इन्फेक्शन पीपल ऑफन द मिल्ड माइल्ड एंड नो सिम्टम्स। इसके अंदर जो इनिशियल जो टाइम होता है उसके अंदर जो है ये माइल्ड और नो सिम्टम्स, सिम्टम्स नहीं आ जाते हैं। ओकेजनली फीवर्स एंड डार्क यूरिन, इसके अंदर क्या होता है ओकेजनली कभी कभी फीवर आता है और यूरिन का कलर कैसा हो जाता है, डार्क हो जाता है, कभी कभी एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, येलो टिंगलिंग स्किन, और स्किन कैसी हो जाएगी, येलो कलर की हो जाएगी, जॉन्डिस जैसा देखने को मिलेगा, पेशेंट की जो आईज वगैरह है वो येलो देखने को मिलेगी, नेल्स वगैरह येलो देखने को मिलेंगे, और उसको ओकेजनली फीवर आ सकता है, एब्डोमिनल पेन वगैरह हो सकता है, यूरिन का कलर कैसा हो सकता है, येलो वगैरह हो सकता है। तो ये ऐसे सिम्टम हेपेटाइटिस सी के अंदर आते हैं, इसके लिए जो टेस्ट करते हैं वो हेपेटाइटिस सी का टेस्ट करते हैं, उसको एस सी वी बोलते हैं, एस सी वी। वे भी पॉजिटिव और नेगेटिव से पता लगा सकते हैं कि इसमें जो टेस्ट करते हैं तो ब्लड के साथ में उसमें या तो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, तो उससे पता लग जाता है। ये भी जो है ब्लड से फैलने वाली बीमारी है, ये ब्लड जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैल सकती है। ठीक है, उसके बाद में
नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है आपके HIV-1 और HIV-2। तो ये HIV के लिए, ठीक है, HIV जो है उसके लिए, HIV एड्स जो बीमारी है उसके लिए HIV टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। द वायरस कैन बी कॉज एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके द्वारा, किसके द्वारा कॉज करता है ये वायरस जो है, किसके द्वारा होता है, वायरस कैन कॉज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इन सीरम और सलाइवा। ये कैसे फैल सकता है, सीरम के द्वारा फैल सकता है, सलाइवा के द्वारा फैल सकता है और यूरिन के द्वारा फैल सकता है, सच यूरिन के द्वारा भी फैल सकता है। सच टेस्ट में भी डिटेक्ट एंटीबॉडी एंटीजन और आरएनए टेस्ट। इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं, आरएनए टेस्ट कर सकते हैं और ये सीमन के द्वारा भी फैल सकता है, वेजाइनल सिक्रीशन के द्वारा भी फैल सकता है एचआईवी टेस्ट, एचआईवी है ना, तो ये इसके द्वारा भी फैल सकता है। इसके अंदर जो टेस्ट करते हैं वो एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, एंटीजन टेस्ट करते हैं और आरएनए टेस्ट करते हैं। उसके बाद में CD4 काउंट जो टेस्ट होता है वो भी HIV का पता लगाने के लिए ही किया जाता है। एक एलिजर टेस्ट और होता है। तो CD4 काउंट टेस्ट इज नॉट एन HIV टेस्ट बट रेदर ए प्रोसीजर वेयर द नंबर ऑफ CD4 टी सेल इज द ब्लड इज डिटरमाइंड। CD4 काउंट के द्वारा भी हम पता लगाए जा सकते हैं बट ये HIV टेस्ट के लिए नहीं है ना, फिर भी इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। CD4 काउंट डज नॉट चेक द प्रेजेंस ऑफ HIV वायरस। HIV की प्रेजेंस को बताता नहीं है CD4 काउंट्स। इट इज यूज टू मॉनिटर इम्यून सिस्टम। उसका इम्यून सिस्टम कितना वीक हो गया है उसके लिए हम कंफर्म करते हैं। फंक्शन ऑफ HIV पॉजिटिव पीपल्स, ठीक है। उसके बाद में नॉर्मल CD4 काउंट कैन बी रेंज, ये नॉर्मल कितना होता है, तो 500 सेल MM3 से 1000 सेल MM3 तक ये नॉर्मल CD4 काउंट सेल है, ठीक है। 500 सेल MM3 से 1000 सेल MM3 तक ये नॉर्मल होता है CD4 काउंट्स। उसके बाद में HIV पॉजिटिव पीपल्स CD4 काउंट बिलो 100। और जो HIV पॉजिटिव पेशेंट होते हैं, जो HIV एड्स से पीड़ित पेशेंट है, उनमें जो CD4 काउंट है वो कम हो जाते हैं, 200 से कम हो जाते हैं, बिलो 200 सेल माइक्रोलीटर्स, ये इससे कम हो जाते हैं, तो वो HIV पॉजिटिव में कम हो जाते हैं। ये इम्यून सिस्टम को शो करता है कि कंफर्म, मतलब डायग्नोसिस से उसके द्वारा पता लगा सकता है। लेकिन ये CD4 काउंट टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर 200 से क्या मिलते हैं, कम मिलते हैं, 200 से कम मिलते हैं। तो ये 200 से कम मिलते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा हम HIV टेस्ट का पता लगा सकते हैं। तो ये हो गए कुछ नॉर्मल टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट हो गए, यूरिन टेस्ट हो गया, आपका सारे टेस्ट हो गए। तो सबसे पहले आपने कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट पढ़ा था, उसके अंदर जो है हीमोग्लोबिन जो है वो कितना होता है, वापस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो कितना होता है, तो हीमोग्लोबिन मेल के अंदर 14 से 17, वुमेन के अंदर 12 से 15, ठीक है। WBC जो है 4.5 से 10,000 के करीब नॉर्मल होता है, और ये मैंने बताया था ये गलत होता है, ठीक है। तो ये जो RBC की रेंज होती है तो मिलियन में होती है, ठीक है। RBC की जो रेंज होती है वो कैसे होती है, मिलियन में होती है। RBC की जो रेंज होती है वो मिलियन में होती है। तो मैंने बताया था 4.4 से, है ना, 0.4 से 5 मिलियन के करीब होगी, 0.4 से 5 मिलियन के करीब RBC होगी। उसके बाद में जो है हीमेटोक्रेट जो होता है वो 40 होता है मेल के अंदर, और फीमेल में जो होता है वो 31% होता है,
फीमेल में कितना होता है, 31% होता है। एमसीबी के जो स्कोर है 80-90 होना चाहिए। प्लेटलेट जो है 1,40,000 से 4.5 लाख सेल माइक्रोलीटर पर होनी चाहिए। ईएसआर जो है 1 से 10 mm और फीमेल में 5 से 15, ठीक है। लीवर फंक्शन टेस्ट जिसको एलएफटी बोलते हैं, इसकी जो बिलरुबिन की रेंज होती है 0 से 1 mg/dL होती है। कॉन्जुगेटेड जो है डायरेक्ट बिलरुबिन और इनडायरेक्ट बिलरुबिन, कॉन्जुगेटेड के अंदर 0 से 0.35 mg/dL होती है, और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है अनकंजुगेटेड होता है जो 0.2 से 0.65 के अंदर नॉर्मल होती है। एसजीओटी होती है 10 से 40 और एसजीपीटी भी 10 से 40 होता है। उसके बाद में एल्कलाइन जो है एल्कलाइन फॉस्फेट, ये 40 से 112 माइक्रोलीटर होता है। उसके बाद में टोटल प्रोटीन होता है 6 से 8.5 ग्राम/लीटर होता है। उसके बाद में जो एल्बुमिन होता है 3.5 से 5 ग्राम, ग्लोबुलिन होता है 2 से 3.5, यूरिया जो है ब्लड यूरिया वो होता है आपके किडनी फंक्शन टेस्ट है, ये आरएफटी बोल सकते हैं, किडनी फंक्शन केएफटी बोल सकते हैं। इसके अंदर ब्लड यूरिया जो है वो 10 से 50 mg/dL होता है। सीरम क्रिएटिनिन सबसे इंपॉर्टेंट 0.6 से 1.1 mg/dL होता है, अगर ये बढ़ जाता है तो यूरिन इन्फेक्शन को शो करता है। यूरिक एसिड जो है 2.4 से 6.6 mg/dL फीमेल में, और मेल के अंदर 3.4 से 7 mg/dL मेल के अंदर होता है सीरम यूरिक एसिड। उसके सोडियम 3.5 से 135 से 145 मोलिकुलर/लीटर होता है। उसके बाद में एडल्ट में पोटेशियम 3.5 से 5.1 और चिल्ड्रन में 3.4 से 4.7। उसके बाद में क्लोराइड जो है 98 से 106 नॉर्मल होता है। उसके बाद में प्रोटीन जो है 6 से 8.3 ग्राम/डेसीलीटर नॉर्मल होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है 200 से कम होना चाहिए, 200 से कम है तो नॉर्मल है, अगर ज़्यादा है तो उससे एबनॉर्मल है। ट्राइग्लिसराइड जो है 10 से 150 mg/dL होना चाहिए। HDL जो होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये 40 से 60 mg/dL होना चाहिए। LDL जो है 70 से 130 mg/dL होना चाहिए, अरे बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। अगर ये बढ़ा हुआ मिलता है तो हार्ट अटैक पेशेंट, स्ट्रोक के पेशेंट में ये बढ़ा हुआ मिलता है। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL, ये भी 2 से 30 mg/dL होना चाहिए। उसके बाद में शुगर जो है रैंडम जो शुगर करते हैं, कभी भी जो शुगर करते हैं वो 80 से 160 mg/dL तक नॉर्मल मानी जाती है। फास्टिंग जो भूखे पेट करते हैं कम से कम 8 घंटे के NBM होना चाहिए, पानी भी नहीं पिया हुआ होना चाहिए, तो वो 90 से 110 mg/dL होना चाहिए। इससे ज़्यादा है 110 से 125 है तो प्री डायबिटिक माना जाता है। उसके बाद में खाना खाने के 2 घंटे बाद में करें तो वो बिलो 140 होना चाहिए तो नॉर्मल है, अगर 40 से 199 है तो वो प्री डायबिटिक में माना जाता है। उसके बाद में GTT जो टेस्ट करते हैं, ग्लूकोज 100 टेस्ट करते हैं, वो अगर 1 आवर में किया तो वो 200 के अंदर आना चाहिए, अगर 2 आवर में किया तो वो 400 के अंदर आना चाहिए, फास्टिंग किया तो 60 से 100 के अंदर आना चाहिए। HbA1c वो 3 महीने की जो है शुगर का पता लगाने के लिए किया जाता है, प्रीवियस 3 मंथ का, ठीक है, प्रीवियस 3 मंथ का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगर वो 5.6 से नीचे है तो वो नॉर्मल है, अगर वो 5.6 से 6.5 के बीच में आ रहा है तो प्री डायबिटिक माना जाता है, और अगर वो 6.5 से ज़्यादा है तो वो डायबिटिक माना जाता है, कन्फर्म डायग्नोसिस माना जाता है। यूरिन में मैंने बताया था, यूरिन जो है येलो कलर नॉर्मल है, इसका क्लियर होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये होती है नॉर्मल 1.005 से 1.030, pH इसका 5 से 8 होता है, प्रोटीन नेगेटिव होता है, इसके अंदर प्रोटीन नहीं होता है, ग्लूकोज इसके अंदर नहीं होता है, कीटोन इसके अंदर नहीं होता है, कीटोन अगर होगा तो डायबिटिक कीटोसिडिस माना जाएगा, ग्लूकोज होता है डायबिटिक पेशेंट माना जाएगा, प्रोटीन होगा तो उसके अंदर किडनी स्टोन वगैरह इन्फ्लामेशन को शो करता है, ब्लूरुबिन जो लीवर बाइलरी ऑब्सेक्शन को शो करता है ये भी नेगेटिव होता है, ब्लड अगर नेगेटिव होना चाहिए, ब्लड कैंसर वगैरह के अंदर हो सकता है पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रेट नेगेटिव होना चाहिए, UTI को शो करता है, यूरिबुलोनोजन ये 0.2 से 1 होना चाहिए, यूरिनोजन कैन बी लीवर डिजीज को शो करता है, हेपेटाइटिस वगैरह को शो करता है, ल्यूकोसाइट्स वगैरह जो है वो भी नेगेटिव होना चाहिए, ये भी किसको UTI को शो करते हैं, WBC जो है 0 से 4 होने चाहिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को शो करते हैं बड़े हुए, स्क्वेमस एपिथीलियम 0 से 4 होने चाहिए, ये भी UTI को शो करेंगे चाहिए। उसके बाद में मैंने कुछ कार्डियक ब्लड टेस्ट किए थे MI का पता लगाने के लिए, तो CPK-MB इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 5 टू
25 IU लीटर होती है, इंटरनेशनल यूनिट लीटर होती है। ट्रोपाई ट्रोपटी होता है वो भी लेस देन 0.01 NGDL होना चाहिए। उसके बाद में सी रिएक्टिव पोरेट्रीन होता है वो लेस देन 1 mg इज लो, और अगर 1 से 2.9 आया तो इंटरमीडिएट, और ग्रेटर देन 2.9 आया तो हाई माना जाता है। कुछ T3 T4 टेस्ट हुए थे, मतलब थायराइड फंक्शन टेस्ट, तो T3 जो टेस्ट होता है वो नॉर्मल आता है, 75 से 200 NGDL नॉर्मल माना जाता है। T4 टेस्ट जो है, जो थायरोक्सिन टेस्ट जो है, 4.5 से 11.5 UGDL नॉर्मल माना जाता है, और TSH जो है 0.3 से 5 UML तक नॉर्मल माना जाता है। उसके बाद में FSH वगैरह थे, फॉलेजी स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलेप्टिन हार्मोन, ओवेरिन डिजीज, ब्लड टेस्ट थे, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, अगर 300 से 900 NGDL NGPL है सॉरी NGML है तो नॉर्मल है। विटामिन डी जो है 20 नैनोग्राम मिलीलीटर से 50 नैनोग्राम मिलीलीटर तक नॉर्मल माना जाता है। कैल्शियम जो है 8.5 से 10.2 तक नॉर्मल माना जाता है। बोन डेंसिटी अलग अलग स्कोर है इसके अंदर, तो वो एक तक और अबव है तो नॉर्मल बोन डेंसिटी मानी जाती है, अगर उससे ज़्यादा है तो एबनॉर्मल मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद में सीमन एनालिसिस जो आज की क्लास में पढ़े थे अपन, तो अलग अलग सीमन एनालिसिस से पता लगा सकते हैं। ट्यूमर के जो टेस्ट हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, CA 153 ब्रेस्ट कैंसर के लिए, CA 2729 ब्रेस्ट कैंसर के लिए, CA 99 ये पेनक्रियाटिक कैंसर के लिए, CA 125 ओवेरियन कैंसर के लिए, और कैल्सिटोनिन जो है थायरॉइड कार्सिनोमा के लिए, SCG जो है ये गैस्ट्रोट्रोपोब्लास्टिक डिजीज या जर्म सेल ट्यूमर, और या कोरियोकार्सिनोमा के लिए, NSC जो होता है ये न्यूरोब्लास्टोमा और लंग कैंसर वगैरह, थायरॉइड कैंसर के लिए, पेनक्रियाज कैंसर के लिए, CEA होता है जो ट्यूमर मार्कर होता है, CEA कोलोरेक्टल कैंसर के लिए, और PSA जो प्रोस्टेट कैंसर का पता लगाने के लिए, RF जो रिमोटेड फीवर ये जॉइंट इन्फ्लामेशन का पता लगा देते हैं, RF जो होता है वो कम से कम 10 इंटरनेशनल यूनिट से कम होना चाहिए, ANA जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव से पता लगाते हैं, NT-CPP जो है वो भी 20 से कम होना चाहिए, HLA जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव से पता लगाते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है 3 से कम होना चाहिए, 3 MGDL से कम होना चाहिए। उसके बाद में विडाल टेस्ट बताया था, ये कुछ मलेरिया टेस्ट थे, डेंगू टेस्ट थे, चिकनगुनिया टेस्ट थे, हेपेटाइटिस के टेस्ट हैं और HIV के टेस्ट हैं। तो थैंक यू सो मच, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।